अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आपका अभिनंदन। आज हम मूल नक्षत्र की कमजोरियों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सबका धन्यवाद कि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया। वहां आपने सुझाव और अपने कमेंट्स लिखे, और यदि आपने हमारे YouTube और Spotify चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से करें और बेल आइकन भी याद से दबाएं ताकि आपको अपडेट्स निरंतर मिलती रहे। जब हम मूल नक्षत्र की बात करते हैं तो मूल नक्षत्र जनरली शास्त्रों में भी कड़ा नक्षत्र माना गया है और उसके उपाय विधि विधान काफी सारे बताए गए हैं। क्या मूल नक्षत्र केवल खराब ही है? नहीं, इसकी बहुत सी अच्छी क्वालिटीज भी हैं, जिनमें से कुछ क्वालिटी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। आज हम बात करते हैं कि मूल नक्षत्र की मूलतः क्या क्या कमजोरियां हैं। तो उन कमजोरियों में से सबसे पहली कमजोरी जो है वो है गुस्सा। मूल नक्षत्र वालों को गुस्सा बहुत आता है। अब कौन सा ग्रह यहाँ विद्यमान है वो उस गुस्से का प्रकार बताएगा। यदि मंगल यहाँ विद्यमान है और वो एफ्लिक्टेड नहीं है तो व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर बहुत जल्दी गुस्सा आने लगेगा, लेकिन उसका गुस्सा जो है वो पारे की तरह चढ़ेगा और उतरेगा। ऐसी स्थिति में ये समझाया जाता है कि भाई जब भी उस व्यक्ति को गुस्सा आए तो आप उसके साथ किसी बहस में मत पड़िए। एक बार उसका गुस्सा ठंडा हो जाए, शांत हो जाए, तब आप उसको बात अच्छे से समझा सकते हैं। यदि यहाँ पर किसी का गुरु विद्यमान है तो वो व्यक्ति किसी भी अनैतिक बात पर गुस्सा हो सकता है। इसी के लिए ऐसे व्यक्तियों के साथ बात जो है वो सही स्पष्ट करनी चाहिए ताकि उनको गुस्सा ना आए। फिर यदि यहाँ पर किसी का सूर्य विद्यमान है तो उस व्यक्ति के आत्मसम्मान को यदि किसी ने ठेस पहुंचाया तो वो व्यक्ति थोड़ा उत्तेजित हो जाता है। इनफैक्ट थोड़ा नहीं, अच्छा खासा उत्तेजित हो जाता है। यदि यहाँ किसी का शुक्र बैठा है तो वो व्यक्ति जो है वो अपने परिवेश में सबसे पहले तो स्वच्छता चाहता है, उसको गंदा जो परिवेश है एकदम पसंद नहीं है। फिर वो व्यक्ति जो है वो अपने घर को बहुत साफ सुथरा और अच्छा रखेगा, लेकिन म्यूजियम की तरह सजाकर रखने की उसकी इच्छा नहीं होगी। इसी प्रकार आप दूसरे भावों का भी देख सकते हैं। इनफैक्ट यदि कचरा शुक्र यदि वहां हो और व्यक्ति को कचरा नजर आए तब उसका पारा चढ़ने लगता है। अब दूसरा पॉइंट जो है वो हम देखते हैं कि वो लोगों को वॉयलेंस, मूल नक्षत्र में वॉयलेंस यानी कि मारपीट आदि की भी क्षमता है। तो यदि यहाँ पर मैलिफिक प्लैनेट्स जैसे कि हम कहें राहु केतु या मंगल बैठे हो, या मंगल खासकर यदि वो अफ्लिक्टेड हो, पीड़ित हो, राहु केतु एक्सिस पर हो, तो व्यक्ति जो है उसमें बहुत गुस्सा आक्रोश रहता है। और यदि ट्रांसिट खराब हो तो व्यक्ति वहां पर कुछ भी करने के लिए सक्षम है। उस समय उसका गुस्सा उसको कुछ सही सोचने का विवेक नहीं देता। तो इसीलिए ऐसी स्थिति में उन लोगों से थोड़ा दूर रहना ही व्यक्ति के लिए सही होता है। फिर एक जो विवशता जिसे हम कहते हैं, इन लोगों में वो विवशता भी होती है। जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो व्यक्ति जो है वो अपने आप को बहुत लाचार या मजबूर महसूस करता है और उसको ऐसा लगता है कि इन परिस्थितियों से उभर कर आने का उसके पास कोई भी उपाय नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है। यदि व्यक्ति थोड़ा सा पेशेंस रखे और ये सोच के चले कि वो निकल सकता है इन परिस्थितियों से और एक स्टेप, एक छोटा स्टेप हर दिन ले तो वो इन परिस्थितियों से निकल सकता है। हम जानते हैं रजनीकांत, ओशो और धीरू भाई अंबानी, इन सब ने जीवन में बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है, लेकिन आज उनका नाम दुनिया में फेमस है। तो इनका भी मूल नक्षत्र बहुत स्ट्रांग था। चाहिए तो केवल इस विश्वास की जरूरत है और मेहनत करने की जरूरत है कि हम इससे निकल सकते हैं। केवल हमको एक दिन एक छोटा सा स्टेप डेली लेना है। और लास्ट में ये भी एक पॉइंट है कि ये लोग जब अपने आप को बहुत असहाय महसूस करते हैं तो
वो इन परिस्थितियों से भागने के लिए, खासकर मानसिक रूप से इन परिस्थितियों से भागने के लिए, गलत रास्ते पर जिसे हम कहें उस रास्ते पर भी चल सकते हैं। अर्थात कि ड्रग्स का सेवन, कुछ लोग उल्टा पुल्टा खान पान या ड्रिंक्स आदि की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं। तो उस समय आपको अपना विवेक यूज करना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मैं डेली क्या काम करूंगा जिससे कि ये मेरी जो परिस्थितियां हैं वो अब और अच्छी होने लगेंगी। जरूर लिखकर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। उससे पहले ये भी बता दें कि ये परिस्थितियां, यदि विकट परिस्थितियां आती हैं, तो आपको ये स्पिरिचुअलिटी के लिए और लेके जाती हैं, अध्यात्म विश्वास दिलाती हैं और आपको रास्ता भी दिखाती हैं कि आप किस तरफ बढ़ सकते हैं। इस विश्वास के साथ यदि आप चलेंगे तो आप बहुत ऊंचाई पर चढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नक्षत्र उन ऊंचाइयों को भी दिलाने के लिए सक्षम है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।